hello friends good morning welcome back to the channel and uh, today we will talk about project closing uh, this is one of the very important uh, part of the overall project lifecycle management right and if you see <coughs> हम जब से स्टार्ट किए हैं वी हैव गॉन थ्रू ऑल दीज स्टेप्स राइट हमने इनिशिएशन का बात किया उसके बारे में डिस्कस किया प्लानिंग की बात की एग्जीक्यूशन की बात की मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में क्या करते हैं वो सारी चीज़ों का डिटेल हमने देखा एंड देन फाइनली टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोजिंग क्लोजिंग में क्या करते हैं देखो फ्रेंड्स क्लोजिंग कब करते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट ना कम्प्लीट रहेगा टोटल और प्रोजेक्ट कम्प्लीट कब होगा कब हम मानेंगे कि प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया इन द इनिशिएशन फेज हमने कुछ सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन किए थे ठीक है कि ये सक्सेस क्राइटेरिया अगर मीट हो गया तो हम कहेंगे कि हाँ भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है वो हम इनिशिएशन और प्लानिंग फेज़ के दौरान उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं राइट अब जब हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया है क्लाइंट से क्लाइंट से साइन ऑफ ले लिया है कि हाँ ये जो जो चीज़ हमें चाहिए थी जिस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था अब वो वो चीज़ हमें मिल गई है एंड वी एग्री दैट कि हमने जो रिक्वायरमेंट दिया था वही हमें मिला है ठीक है सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डन या सक्सेस क्राइटेरिया मीट हो गया है. तब हम क्लोजिंग करते हैं ठीक है <coughs> देखते हैं थोड़ा सा कि वाई क्लोजिंग इज इम्पॉर्टेंट ठीक है पहला चीज़ अगर आप क्लोजिंग नहीं करते तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है फर्स्ट पुट थड दर्गनाइजेशन एटीडल कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिस्क ठीक है अगर आपने क्लोजिंग नहीं की है हो सकता है कि कोई क्रिटिकल चीज़ छूट गई हो हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने नहीं किया और आपने अपने जो प्रोडक्ट को है उसको ऑपरेशन को दे दिया है राइट और ऑपरेशन अब उसके ऊपर वर्क कर रहा है एंड लेट से कि फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम हुई लेट से कोई डॉक्यूमेंटेशन सर्च करना और वो डॉक्यूमेंटेशन मिला ही नहीं दे विल अगेन रीच आउट टू यू एस्केलेशन होगा कि यार ये चीज़ तो इनकम्प्लीट ही रह गई और आपने सेलिब्रेट कर लिया कि प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया है ना तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट का कोई छोटा सा क्लॉज है जो पेंडिंग रह गया है राइट एंड फ्यूचर में जाके कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि उस कॉन्ट्रैक्ट के उस पर्टिकुलर क्लॉज की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को फाइन या पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है ठीक है तो वो भी इश्यूज हो सकते हैं इसके लिए सबसे पहला आपको देखना है कि क्लोजिंग प्रॉपर होनी चाहिए दूसरा प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम रियलाइजिंग द एंटिसपेटेड बेनिफिट फ्रॉम द डिलीवरेबल ऑफ द प्रोजेक्ट अगर आप प्रॉपरली उसको क्लोज नहीं करते हो ठीक है तो जो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज कर सकती है या कर सकती थी वो नहीं हो पाएगा ठीक है हो सकता है कोई माइनर चीज़ था जो इनकम्प्लीट रह गया हो ठीक है और अगर उसको हम कम्प्लीट करते उसको डिलीवर करते वी कुड हैव ऑन मोर मनी ठीक है ऐसा भी हो सकता है सो so, वो चीज़ छूट सकती है राइट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लॉसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन अफकोर्स सेकेंड पॉइंट के ऐसा ही है कि ऑर्गेनाइजेशन के लॉसेस हो सकते हैं पेनल्टी वगैरह इन सब चीज़ों को लेके या इमेज स्टारनिश हो सकती है या आ, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट से मतलब एक बार नाम ख़राब हो गया तो जो फ्यूचर प्रोजेक्ट से वो मिलने बंद हो सकते हैं ठीक है काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है अंडर माई इंडर प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट टीम्स क्रेडिबिलिटी और जो बंदा प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर और जो उनके टीम मेम्बर्स हैं ठीक है ठीके? उनका भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ, आ जाता है कि यार इन लोगों ने कैसे काम किया है ठीक है काफ़ी सारी चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई है काफ़ी सारे एक्सकलेशन आ रहे इश्यूज़ आ रहे वगैरह वगैरह ठीक है तो इसके लिए प्रॉपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आगे हम देखेंगे कि क्या कैसे हम प्रॉपर क्लोजिंग कर सकते हैं ठीक है उससे पहले वापस से एक बार रिट्रेट कर देता हूँ कि प्रोजेक्ट और ऑपरेशन हैंड इन हैंड चलता है फ्रेंड्स ठीक है ऑपरेशन क्या होता है वो कंटिन्यूस जर्नी होती है प्रोजेक्ट क्या होता है स्टार्ट डेट और एंड डेट फिक्स होता है ठीक है तो ऑपरेशन से हमें कंटिन्यूस इनपुट आते रहता है प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए और प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट हो जाता है वो वरेशन को जाते रहता है ठीक है इस तरह फॉर एग्जांपल कोई आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया कोई सर्विस दे रहे हो और उस सर्विस में कोई चेंज रिक्वेस्ट आ गई ठीक है तो वो एक चेंज वो चेंज रिक्वेस्ट एक नया प्रोजेक्ट एज ए न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा ठीक है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एंड देन वो बंदा उसको वापस से एग्जीक्यूट करा के फिर से ऑपरेशन को ले देगा फिर से ऑपरेशन करेगी वर्क करेगी कुछ दिनों बाद लेट से कुछ नया रिक्वायरमेंट आ गया कोई नया बिजनेस केस आ गया वो अगेन आपको रिक्वायरमेंट दे देंगे अगेन आप उसके ऊपर एक नया प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करोगे तो इस तरीके से प्रोजेक्ट और ऑपरेशन एक ही सिक्के के दो पहलू आप बोल सकते हो ठीक है एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट होता है या आप बोल सकते हो कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो सकता है ठीक है इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है बट मुझे लगता है कि अगर इतना चीज़ हम करते हैं नॉर्मली या इतनी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दो तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि प्रोजेक्ट क्लोजिंग में क्या करते हैं ठीक है आप देखो सबसे पहले कंप्लीट ऑल द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ ठीक है कई सारे फेजेस होते हैं प्रोजेक्ट के उसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ था आपको याद होगा हमने शेड्यूल भी परफॉर्म किया था बनाया था राइट वो शेड्यूलर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने लिखी हुई थी जितना भी नोट डाउन किया था हैव टू मेक श्योर दैट ऑल दोज एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड हो सकता है कि हमने कुछ टास्क ऐसे मार्क किए हो जो लो प्रायोरिटी टास्क हो ठीक है और हमने जस्ट मार्क करके उसे भूल गए यार कहीं पे कोने में पड़ा हुआ किसी डॉक्यूमेंट में कहीं पे लिखा हुआ तो हमने ध्यान नहीं दिया ठीक है मेक श्योर कि आप एक थोड़ा रिसर्च कर लो कि आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ डिफाइड डिफाइन किया था वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है ठीक है दूसरा फॉर्मली क्लोज ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक है प्रोजेक्ट में कभी हम सारी चीज़ें खुद से बनाते नहीं हैं ठीक है थीके? कभी कभी हम कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ठीक है या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें लेते हैं ठीक है अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए मेक श्योर sure कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए हो अगर कुछ आपने मैन मशीनरी या कोई और रिसोर्स यूज़ किया तो आप उसको रिटर्न कर दो ठीक है रिटर्न करके फॉर्मली साइन ऑफ ले लो कि ये चीज़ रिटर्न हो गई है यहाँ से अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इसके लिए हम एक भी पैसा नहीं देने वाले हैं ठीक है कंप्लीट ऑल द लो प्रायोरिटी टास्क जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई टास्क अगर लो प्रायरिटी का है छूट गया आप उसे कंप्लीट कर लो ठीक है बिफोर आप फॉर्मली शाउट आउट करो कि हाँ हमने प्रो, प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर दिया है ठीक है परफॉर्म हैंड ओवर टू ऑपरेशन एंड टेक साइन ऑफ आप ऑपरेशन को आपका वो जो प्रोडक्ट था आप उसे दो ठीक है उनको हैंड ओवर कर दो उनको समझा दो कि इसे यूज़ कैसे करना है उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो फाइनली उनसे आप एक चेकलिस्ट बनवा लो कि उनको समझ में आ गया है कि प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है उससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट है वो उनके पास पहुँच चुके हैं ठीक है थीके? आपने उनको आफ्टर आफ्टर प्रोजेक्ट सपोर्ट के लिए भी अगर कोई बंदा डेडिकेट किया है उसको भी आप नॉमिनेट कर दो कि ये बंदा अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये बंदा आपको प्रोवाइड करेगा आप वो भी दे दो ठीक है एंड देन फाइनली उनसे साइन ऑफ ले लो कि हाँ ये हैंड हो गया है हम एग्री करते हैं कि आपके बाद से हम इसे यूज करेंगे ठीक है और जैसा हमने चाहा था वैसे ही प्रोडक्ट हमें मिला है ठीक है तो इस तरीके से आपको एक फाइनल साइन ऑफ भी लेना पड़ता है डॉक्यूमेंट लेसन लर्न प्रोजेक्ट की जर्नी के दौरान ठीक है कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं ठीक है कई सारी चीज़ें आप नई सीखते हो कुछ नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते हो कई सारे प्रॉब्लम्स आए थे जिसको आपने कई इनोवेटिव तरीके से सॉल्व किया होगा सारे साथ जितने भी लेसन लर्न थे ठीक है उन सबको आपको डॉक्यूमेंट करना है ठीक है वॉट वेंट वेल वॉट डिड नॉट वेंट वेल वाट कुड हैव बिन इम्प्रूवड ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना चाहिए क्यों डॉक्यूमेंट करना चाहिए डॉक्यूमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि एक ही प्रोजेक्ट को वो जिंदगी बिताए था नहीं सिमिलर प्रोजेक्ट बार बार आते रहते हैं ठीक है तो अगर आप उसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके रखोगे तो फ्यूचर में जब कोई सिमिलर प्रोजेक्ट आएगा तो आप अपना उसको रिव्यू कर सकते हो उसको चेक कर सकते हो यार हमने पहले कैसे किया था ठीक है देन आप उसका यूज़ करके जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो इसके लिए लेसन लर्न बहुत ज़रूरी है ओके डॉक्यूमेंट एंड शेयर अक्रॉस द बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट जब अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया क्या बेनिफिट मिला इस प्रोजेक्ट से ठीक है उसको डॉक्यूमेंट करो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे सब के साथ में आप उसे शेयर करो कि ये प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट किया था इतना टाइम लगा इतना हमने रिसोर्सेस लगाया ये इसके बेनिफिट हुए ठीक है आपको देखो आप काम करते हो तो काम भी क्रेडिव काम का जो क्रेडिट है वो भी लेना ज़रूरी है ठीक है आपको अपनी विजिबिलिटी वेजि, भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके जो बेनिफिट है और उसका जो इम्पैक्ट है ये सारी चीज़ें आप राइट स्टेक होल्डर्स को शेयर करो ओके रिलीज ऑल द रिसोर्सेज बैक टू सेंट्रल रिसोर्स मैनेजमेंट टीम आपने कुछ रिसोर्स जो भी है चाहे मैन हो मटेरियल हो या जो भी हो वो सारे रिसोर्सेज को आपको सेंट्रल रिसोर्स मैनेजमेंट टीम जो आपकी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में है आपको उसे रिलीज कर देना है उनको वापस दे देना है कि भैया हमारा काम हो गया है इन बंदों को आप वापस लो और इन्हें आप कहीं और भी अलाइन करो या जो भी करना है वो करो टेक अप्रूवल फ्रॉम स्पॉन्सर्स दैट द प्रोजेक्ट हैज़ मेट और नॉट मेट द ऑब्जेक्टिव एंड टेक साइन ऑफ टू क्लोज द प्रोजेक्ट देखो जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया था आपको याद होगा इनिशिएशन में एक स्पॉन्सर होता है बंदा ठीक है हायर लीडरशिप का जिसने आपको फैसिलिटेट किया था जिसने पूरा आपका अप्रूवल दिया था आप पूरा पैसा दिया था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए राइट ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ही हो प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल भी हो सकता है ठीक है जब प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल है तो वहाँ पे आपका एग्जिट स्ट्रैटेजी काम आता है इनिशियली जब आप कोई क्रिटिकल प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो आपको पता नहीं होता है कि यार ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा तो वहाँ पे आपको एक एग्ज़िट स्ट्रैटी बनानी पड़ती है एग्ज़िट स्ट्रैटेजी आपका ये होता है कि क्या सिचुएशन होगी या कितने टाइम के बाद अगर हमें ऑब्जेक्टिव नहीं मीट हुआ या एक छोटा सा माइलस्टोन नहीं अचीव हुआ तो हम इस प्रोजेक्ट से एग्जिट कर जाएंगे हम और पैसा इसमें नहीं डालेंगे ठीक है अगर वो पॉइंट आ रहा है आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी वाला पार्ट आ रहा है तो आप अपने स्पॉन्सर्स को बताओ कि नहीं यार अब हम इसे आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे और पैसा डालना इसके अंदर कोई मीनिंग नहीं है ठीक है इसको क्लोज करते हैं ठीक है तो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं मीट हो रहा है तो यू शुड ऑल्सो कॉल दैट आउट कि हाँ वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट ये ऑब्जेक्टिव था बट करेंट टेक्नोलॉजी करेंट सिचुएशन के हिसाब से इसे हम कंप्लीट नहीं कर सकते ठीक है एंड वी आर क्लोजिंग द प्रोजेक्ट नो प्रॉब्लम फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है बट राइट टाइम पे आपने फेलियर एक्सेप्ट कर लिया तो आपके आपने अपने कंपनी का जो और भी नुकसान होने वाला था उसको आपने बचा लिया ठीक है तो अगर आप सक्सेस के डायरेक्शन में हो तो भी आप स्पॉन्सर से अप्रूवल लो कि प्रोजेक्ट कम्प्लीटली सक्सेसफुली क्लोज हो गया है अगर अनसक्सेसफुली क्लोज हो रहा है तो आप उसे अनसक्सेसफुली क्लोज करो और अपने स्पॉन्सर से अप्रूवल लेके साइन ऑफ ले लो अप्रिशिएट टीम मेंबर एफर्ट इन एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट चाहे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कम्प्लीट हो या अनसक्सेसफुली कम्प्लीट हो आपके जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने बहुत एफर्ट डाला है उसके अंदर ठीक है हो सकता है किसी टीम मेंबर ने एक्स्ट्रा आर्स वर्क किया हो किसी टीम मेंबर ने वीकेंड पे वर्क किया हो किसी ने अपना लीव्स कैंसिल किया हो ठीक है अपने पर्सनल चीज़ों को अवॉइड उनको मतलब सेकंड प्रायोरिटी पर डाल के प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम दिया है ठीक है सब ने दिया है तो उनका ईच मेंबर का टीम मेंबर जो है टीम मेंबर्स का एफर्ट जो है उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है और ये अप्रीशिएशन हायर लीडरशिप के सामने होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि आप उनको एक छोटी सी मीटिंग रूम में ले गया उनको अप्रीशिएट कर दिया नहीं जो आपका हायर मैनेजमेंट है वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है अगर आप बोल्टरूम में भी उन्हें से, उनको अप्रिशिएट कर रहे हो ताकि उनको भी लगे कि हाँ हमारा जो मैनेजर है हमारा जो बॉस है वो लीडरशिप के सामने हमें लेके आ रहा है ठीक है हमें विजिबिलिटी दे रहा है ठीक है तो अप्रीशिएट करने का मतलब वो होता है दूसरा आप अगर बहुत ही सक्सेसफुली प्रोजेक्ट हुआ है तो आप उन्हें कुछ एडिशनल मनी भी प्रोवाइड कर सकते हो ठीक है कुछ इंसेंटिव्स वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हो एज़ यू नो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जैसे भी सिस्टम चलता होगा दैन फाइनली जब ये सारी चीज़ें हो जाती है देन शेड्यूल प्रोजेक्ट सक्सेस सेलिब्रेशन यू शुड हैव अ सक्सेस पार्टी ठीक है मेरे पास में जितने भी इस प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे तो मुझे याद है जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल पे नहीं भी था जब भी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था एक सक्सेस पार्टी ज़रूर होता था कभी कभी ऑफिस में पिज़ा वग़ैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आता था कभी हम बाहर भी जाते थे सक्सेस पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए और कोई मुझे याद है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी हमने एग्जीक्यूट किया था उस टाइम we uh, you know, पे वी वेंट टू अ बिग यू नो होटल वहाँ पे गए थे एंड वहाँ पे वी हैड यू नो ग्रैंड पार्टी तो ऐसा भी होता है सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके प्रोजेक्ट का बजट कितना था आपने कितना मनी सेव किया है उस हिसाब से एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव टू मेक श्योर कि फाइनल जो सक्सेस सेलिब्रेशन है वो ज़रूर हो इससे लोगों को लगता है कि नहीं यार इस बंदे के साथ में काम करना चाहिए ठीक है और लोग जो है अपना मोर देन हंड्रेड परसेंट देने के लिए रेडी रहते हैं सो फ्रेंड्स दीज आर सम थिंग्स जो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट क्लोजिंग में करना चाहिए और विद दिस यू नो प्रोजेक्ट क्लोजिंग वी कम टू एन एंड ऑफ दिस होल सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड आई आई एम श्योर कि इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने डिटेल में कवर नहीं की है ये आपको फर्स्ट हैंड ओवरव्यू देने का मेरा ऑब्जेक्टिव था कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आप ये वीडियो सीरीज़ पूरा देखते हो तो आपको हाई लेवल मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा ठीक है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता क्या है ये वीडियोस देखने के बाद आई वुड सेक योर जर्नी टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नाउ स्टार्ट ठीक है आप रिसर्च पेपर पढ़ो आप पी एम आई के वेबसाइट्स पर जाओ आप उनके आर्टिकल्स पढ़ो ठीक है यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ हैविंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन या ठीक है तो वो सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आपको चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आएगी ऐसा मुझे लगता है ठीक है और फाइनली अगर Uh, किसी वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो प्लीज़ आप कमेंट uh, करके मुझे बताइए कि ये चीज़ें आपने अच्छे से कवर नहीं किया या ये एक्स्ट्रा चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते थे एंड आई ट्राई टू अमेंड द वीडियो अगेन नेक्स्ट फ्रेंड्स आई एम आल्सो ट्राइंग टू लॉन्च सीरीज़ ऑन एजाइल सो आई एम श्योर की जो भी लर्निंग मैंने लिया है जेल में आई एल बी एबल टू शेयर डैट विथ यू इन अ बेटर एंड फन वे ठीक है विद डैट फ्रेंड्स आई एम क्लोजिंग दिस सीरीज ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होप आपको वीडियोज़ अच्छे लगे एंड प्लीज़ कमेंट आपको जैसा भी लगा हुआ है थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विथ मी हैव ए नाइस डे बाय